दोस्तों बात करते हैं उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की भर्ती को लेकर ऑफिशियल न्यू विज्ञप्ति के बारे में। तो नई विज्ञप्ति अपडेट हो चुकी है जारी, तो आप लोगों के लिए काफ़ी अच्छी गुड न्यूज़ है। चलिए जानते हैं इसमें पूरी डिटेल के बारे में। तो फाइनली गाइज आप लोग के लिए काफ़ी अच्छी गुड न्यूज़ है। उत्तराखंड में जो आप लोग लैब असिस्टेंट था, प्राण प्रवेक्षक था, कब आएगा पूछ रहे थे, फाइनली यहाँ पर जारी हो चुकी है। तो यहाँ पर इस बार काफ़ी कम पोस्ट आ रखी हैं। कम क्यों आ रखी है मैं आपको बताने वाला हूँ। नेक्स्ट भर्ती आपको लगभग लगभग टोटल 400 के करीबन मिल जाएंगी, ठीक है। टोटल भर्ती मिलने वाली है, ये टुकड़े टुकड़े में आपको देखने को मिलेगा। पहले जो है यूके प्रेस ने सारी भर्ती 400 के करीबन एक ही साथ निकाल रखी थी, लेकिन आयोग ने अभी फिलहाल 11 पोस्ट निकाली पहले, और अभी जो है आज यहाँ पर जारी कर दिए हैं 53 पोस्ट पर। तो 53 पोस्ट के लिए आप आवेदन कर सकते हैं। सिलेबस भी इसमें चेंज कर दिया है, बड़ी बात तो ये है, पहले सिलेबस कुछ और था, अब कुछ और हो गया। हालांकि अभी सही सिलेबस बना हुआ है, ठीक है, तो लेवल का बनाया हुआ है, इसका सिलेबस भी हम डिस्कस करेंगे। तो बाकी जो 400 के करीब पोस्ट है ना, वो सारे पोस्ट आएंगे आपके, सब कुछ आएंगे, लेकिन आएंगे वो टुकड़ों टुकड़ों में, क्योंकि हर एक के लिए क्वालिफिकेशन अलग अलग रखी गई थी उसमें। तो अलग अलग क्वालिफिकेशन के हिसाब से अलग अलग निकल के आ रखे हैं। इसमें 12th पास अभ्यर्थी अप्लाई कर पाएंगे। तो 12वीं पास जिन्होंने कर रखा है वो यहाँ पर समूह सहकारिता जो पर्यवेक्षक है या पर्यावरण पर्यवेक्षक है उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। 10 तारीख से ऑनलाइन शुरू हो चुका है, 31 जुलाई इसकी लास्ट डेट रहेगी। साथ में यहाँ पर जो है आयोग ने बताया हुआ है कि ये आपके फॉर्म जो है निःशुल्क रहेंगे आपके लिए, ठीक है, निःशुल्क फॉर्म है। तो आप लोग आवेदन कर सकते हैं सभी अभ्यर्थी। और साथ में यहाँ पर देखिए दो पोस्ट आपका सहकारिता पर्यवेक्षक के हैं, इसमें जो कि ग्रेड 2 लेवल का है, 19,900 स्टार्टिंग सैलरी मिलेगी। इसमें यहाँ पर 12th पास विज्ञान से होना चाहिए, तो अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पर। साथ में यहाँ पर आपके ये दो पोस्ट कैटेगराइज कर रखा है, इसमें से आपके पास दो पोस्ट में से एक तो आपका है महिलाओं के लिए है, दूसरा आपका यहाँ पर रखा गया है, दूसरा पोस्ट यहाँ पर, ठीक है, सॉरी हाँ, दो पोस्ट, दो पदों की संख्या है इसमें। इसमें आप लोग देखते हैं ये दो पद इसमें रखे गए हैं, इसमें आपके एक तीन पद है इसमें, ठीक है, एक तो महिला के दो इसमें रखे गए हैं, और इसमें आप लोग देखते हैं महिला के लिए, और दो रखेंगे आपके पदों की संख्या अनारक्षित के लिए रखे गए हैं। 53 पोस्ट यहाँ पर देखिए, प्रमाण प्रवेक्षक की 3 पोस्ट हैं, इसके लिए लेवल 3rd की पोस्ट है, 21,000 आपका सैलरी है, और ठीक है, क्वालिफिकेशन आप लोग देखिए इंटरमीडिएट है, सिर्फ विज्ञान से, आर्ट वाले नहीं भर सकते इसको, फिर सिर्फ विज्ञान वाले भर सकते हैं इसमें। बाकी आप लोग देखिए आयु 18 से 42 है, बाकी आपके अलग अलग है, नगर पालिकाओं में निकल के आ रखे हैं, सिनाली चैन, रानीखेत, खेड़ा, ऐसे आप देखिए, भगवानपुर है, ठीक है, पांडली है, रामपुर, ठीक है, रामपुर है, और ठीक है ढंडेरा है, ठीक है, आदमपुर है, पिरान है, और चौखुटिया, बद्रीनाथ, अलग 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 जो आपके निकल के आ रखे हैं, सभी के लिए आपका एक ही फॉर्म होगा। टोटल 53 पोस्ट हैं। ICMR में आपकी छूट दी जाएगी, 5 वर्ष की छूट अनुमान्य है OBC ST के लिए, तो अप्लाई कर सकते हैं। बाकी वैसे ही छूट मिलेगी आपको, कोविड की वजह से जो पीछे हुए थे बैग वाले फॉर्म उसी डेट से लिया जाएगा, मतलब जो कैंडिडेट पुराने कैंडिडेट हैं, नए कैंडिडेट के लिए इसी डेट से लिया जाएगा। बाकी आप लोग सिलेबस दिखा देता हूँ आपको, सिलेबस किस तरह का है, आप लोग फॉर्म फिल कर लीजिएगा आज ही, क्योंकि 20 दिन का समय दिया गया टोटली। सिलेबस मैं आपको दिखा देता हूँ, सिलेबस ये है, सिलेबस अच्छा है इस बार, ठीक ठाक है, सामान्य ज्ञान है, सामान्य अध्ययन का, GS क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 25 क्वेश्चन 25 नंबर के होंगे, प्रश्न 25 हैं, प्रश्न की संख्या, और साथ में प्रश्नों के जो नंबर हैं वो भी 25 है। 75 आपका सब्जेक्टिव है, सब्जेक्टिव में भी आपको दो चीज़ें हैं इसमें, ठीक है, वो ध्यान दीजिएगा, दो चीज़ें क्या है, एक में तो ये अनिवार्य है सभी के लिए है, अ वाला सेक्शन, बी वाला सेक्शन आपके लिए दो सेक्शन में है, वर्ग एक और वर्ग दो, तो दोनों में से आपको एक ही चयन करना है। अगर आप लोगों ने PCM है तो PCM वाला सेक्शन करना है आपको, अगर आपके पास ZVC है इंटर में, ठीक है, PCB है यहाँ पे, तो आप PCB वाला सेलेक्ट कर सकते हैं, डिपेंड कर सकता है कि आपका सब्जेक्ट कौन सा था, ठीक है, यही है PCM और PCB वालों के लिए है। बाकी नेगेटिव मार्किंग होगी, पूरा पूरा सिलेबस यहाँ पर विस्तार समझा रखा है, GS वाला सब पोस्टन है वही है जो UPSC बनाता है, जनरल स्टडीज वाला देख सकते हैं यहाँ पर, ये वही है। साथ में फिर विषय वाले हैं, विषय वाला चेकआउट कर सकते हैं अपना सिलेबस यहाँ पे, ठीक है, ये फिजिक्स इतना इतना है, अगर देख सकते हैं फिजिक्स भी है, हिंदी भी, इंग्लिश भी आपका लिखा गया, रसायन है, रसायन का चेकआउट कर सकते हैं, केमिस्ट्री इंग्लिश में देख सकते हैं यहाँ पर, केमिस्ट्री का कमी पोर्शन है, जीव विज्ञान का देखिए, जीव विज्ञान का भी कमी पोर्शन है, फिर भौतिक का देखिए यहाँ पर, भौतिक वालों के लिए वो ऊपर वाला PCM वालों के लिए था, PCB वालों के लिए था, और ये PCM वालों के लिए है, ये देखिए, और रसायन विज्ञान का भैया है, दोनों में सेम ही है, रसायन विज्ञान भौतिक विज्ञान सेम दोनों के लिए है। और यहाँ पर देखिए वहाँ फिजिक्स बायो थी उनके लिए, यहाँ मैथ्स है, मैथ्स में देखिए मैथ्स का ठीक ठाक लेवल का है, जैसे हायर लेवल का उतना ज़्यादा नहीं है, थोड़ा इसमें बेसिक का भी है, जिसमें आपका यहाँ पर वेन डायग्राम मतलब रीजनिंग टाइप के क्वेश्चन भी मिलेंगे इसमें। बाकी द्विपद बहुपद वाले हैं, और ठीक है, बाकी आप लोग देख सकते हैं पूरा पूरा सिलेबस इंग्लिश में भी आप पढ़ सकते हैं। तो ये सिलेबस है, 53 पोस्ट के करीब निकली है टोटल प्रावण प्रेक्षक में,
तो वो आप आवेदन कर सकते हैं पदों के लिए, और काफ़ी अच्छी पोस्ट हैं और इसके लिए आप तैयारी कर सकते हैं। और बाकी आप लोग फॉर्म का फिल कर सकते हैं, ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं इसके ऑफिशियल साइट से, लास्ट डेट मैंने आपको बता दी।